हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको फ्रांस का एक नया सिस्टम दिखाती हूँ। यहाँ पे आप एयरपोर्ट ट्रॉली या शॉपिंग ट्रॉली कैसे यूज़ करेंगे। मैं अभी कारपुर के शॉपिंग एरिया में हूँ, जो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पार्किंग जोन में हूँ। और जैसे कि आप बिग बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए इंडिया में ट्रॉली का यूज़ करते हैं, या एयरपोर्ट में लगेज लेने के लिए आप ट्रॉली का यूज़ करते हैं, और ट्रॉली यूज़ करने के बाद आप इधर उधर छोड़ देते हैं, ऐसा इधर नहीं है। इधर सारे ट्रॉली आपको ट्रॉली स्टैंड में मैनेज्ड एंड अरेंज्ड वे में मिलेंगे। ये ट्रॉली स्टैंड है, यहाँ पे सारे ट्रॉली आपको लॉक्ड स्टेट में मिलेंगे। ये सारे ट्रॉली आपका लॉक है एक दूसरे के साथ, और ये ट्रॉली यूज करना तो फ्री है, लेकिन इसके लिए आपके पास 1 यूरो हाथ में रहना चाहिए, ताकि ये ट्रॉली को दूसरे ट्रॉली से अनलॉक करने के लिए आपको 1 यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये है 1 यूरो। अभी देखिए, ये ट्रॉली में इसको मैं इधर 1 यूरो इंसर्ट की और प्रेस किया, तो ये अपने प्रीवियस ट्रॉली से अनलॉक हो गया, और ये अनलॉक हो गया। अब मैं ये ट्रॉली को यूज कर सकती हूँ, और इसको यूज करने के बाद जैसे इंडिया में आप इधर उधर छोड़ देते हैं, वैसे अगर इधर उधर छोड़ दिए तो ये 1 यूरो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन में ये 1 यूरो आपका रिकवर नहीं होगा जब तक ये फिर से लॉक ना हो। यूज करने के लिए आपको 1 यूरो चाहिए, और यूज करने के बाद आप ट्रॉली को फिर से ला के मैनेज्ड एंड अरेंज्ड वे में यहाँ पर फिर प्रीवियस ट्रॉली के साथ लॉक करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको फिर से ये इंसर्ट करना है। जब ये आप प्रेस करेंगे तो आपको 1 यूरो यहाँ से निकलेगा, तो आप 1 यूरो अपना लिए और फिर चले गए। और ये ट्रॉली यूज करने के लिए आपको तो 1 यूरो की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मैं ऐसा छोड़ दूँगी इधर उधर और मेरा 1 यूरो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा रहता है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे बस हो, चाहे रोड हो, चाहे पार्किंग जोन हो, तो आपको ये अनसिविलाइज्ड वे में ट्रॉली छोड़ने के लिए 50 यूरो का फाइन देना पड़ता है। इसका मीन्स आपको 51 यूरो का लॉस होगा अगर आप ट्रॉली इधर उधर छोड़ेंगे। ओके, मैं आपको और एक नया चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे सारे पार्किंग जोन जो होते हैं नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर में या माइनस में होते हैं, मीन्स अंडरग्राउंड होते हैं, तो लेकिन मैं जिस पार्किंग जोन में हूँ, फर्स्ट फ्लोर में हूँ, यहाँ पे नॉर्मली -1, -2, -3 या 1, 2 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ही पार्किंग जोन होते हैं। मैं पार्किंग जोन से ट्रॉली नीचे कैसे लेके जाऊंगी या ऊपर कैसे लेके जाऊंगी, इसके लिए मुझे असेंसर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ये है असेंसर, अभी देखिए मैं ये ट्रॉली को असेंसर में लेके जाती हूँ। ये असेंसर में लेने के बाद ये ट्रॉली का जो बैक व्हील है या पीछे का पहिया है, ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाता है। इसमें मैग्नेट लगा रहता है, और ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो गया असेंसर के साथ। ये ट्रॉली हिलता नहीं या गिरता नहीं। मैं अभी नीचे जा रही हूँ, फिर शॉपिंग करने के बाद आप इसको ऊपर लेके आ सकते हैं उसी असेंसर की हेल्प से। ये अगर आप पार्किंग किए हैं -1, -2 या -3 में, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में, तो गाड़ी पार्किंग की हूँ फर्स्ट फ्लोर में, तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ, तो इसको ऐसे आपको जाना होगा असेंसर की सहायता से, और फिर सामान खरीदने के बाद इसी असेंसर की हेल्प से आपको ऊपर उठना होगा। अभी देखिए, मेरा फिनिश्ड पॉइंट आ चुका है असेंसर का, जो कि अभी ये मैग्नेट अनलॉक्ड हो जाएगा जैसे ही फिनिश पॉइंट में मैं ट्रॉली आएगा। देखिए, मैं नीचे आ गई, फिर शॉपिंग करने के बाद फिर इसको ऊपर लेके जाने के लिए फिर अप असेंसर की यूज करूँगी। देखिए, फिर ये मैग्नेट की वजह से पीछे का पहिया बैक व्हील लॉक हो गया असेंसर के साथ, और ये और मैं ट्रॉली लेके ऊपर जा रही हूँ। अभी फिर से मेरा फिनिश पॉइंट आ चुका है, अभी आप देखिए ये अनलॉक हो जाएगा। फिर मैं ये ट्रॉली को यूज करने के बाद उसके अपने ट्रॉली स्टैंड में अरेंज वे में रखना पड़ेगा। फिर से आपका 1 यूरो आपको रिटर्न पाने के लिए ये ट्रॉली को यहाँ से ऐसे ही फिर से लॉक करना होगा। जब तक लॉक नहीं करेंगे आपका 1 यूरो नहीं निकलेगा। और ये एयरपोर्ट में भी यही सारा सिस्टम है, फ्रांस हो चाहे सारे यूरोपियन कंट्री हो, आपको एयरपोर्ट में भी ट्रॉली यूज करने के लिए पास में 1 यूरो होना ज़रूरी है।
ये कारफूर का सुपर मार्केट है, आप देख सकते हैं। ये मछली मार्केट है, ये ऑक्टोपस है। फ्रेंड्स, के बारे में ऐसे ही नए नए टेक्निकल वीडियो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय फॉर नेक्स्ट टाइम।